हौसले अगर बुलंद हो और टारगेट लेकर आगे बढ़े तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये लाइनें चरखी दादरी के गांव रानीला निवासी 17 वर्षीय अतुल साहू पर फिट बैठती है। अतुल ने गांव की मिट्टी में मेहनत की और कुवैत में आयोजित एशियन एथलीट प्रतियोगिता में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। अतुल साहू के गोल्ड लेकर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने कार्यक्रम कर उसे सम्मानित किया। साथ ही ग्रामीणों और खेल प्रशिक्षकों ने अतुल की इस उपलब्धि पर खुशियां मनाते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर सरकार खिलाड़ियों को समय समय पर मदद दे तो यहाँ प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक खेलों में देश को सोना दिलाने में कामयाब होंगी। अतुल ने बताया कि पहली बार एशियाड स्कूली खेलों में हार मिली तो मेहनत के बूते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना जीतने का संकल्प लिया। माता पिता और प्रशिक्षकों की मदद से मेहनत की और आज उसे एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा एक हथियार है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करता है तो एक दिन उसको सफलता मिलती है। नहीं, ये मेरा इससे पहले यूथ नेशनल में गोल्ड था और ये इंटरनेशनल फर्स्ट मेडल है मेरा। मेरे माता पिता को और मेरे कोचेज को बहुत अच्छा फील हो रहा है। सभी गर्व महसूस हो रहा है। अतुल के पिता पहलवान नफे साहू ने कहा कि बेटे की मेहनत के बूते गोल्ड मिला है जो गांव और क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश और देश को समर्पित किया है। इसमें ग्राउंड में मेहनत शुरुआत से मास्टर सतीश कृष्ण डीपी इन्हें सब ने मिल के ग्राउंड चलाया और उसमें मेहनत कराई, फिर सभी कोचिचों के सहयोग से मेडल में विजय हुई। स्कूल ग्राउंड रानीला से ही की और कोई बाधा ही नहीं आई, मेहनत करते रहे लगातार। हमारे गांव में चारों तरफ गवांड में भी सब जगह खुशी का माहौल है मेडल जीतने पर। वहीं खेल प्रशिक्षक कृष्ण कुमार ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को समय पर मदद दे तो वो ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को मेडल दिलाने में कामयाब होंगे। ये इससे पहले भी गोल्ड मेडल जीतने के दोनों हकदार थे, हमारे ऋषि साहब के सरपंच साहब के लड़के भी, और दोनों का यूथ अपने जो स्कूली वर्ल्ड स्कूल में दोनों का सिलेक्शन था और वहाँ हम चुक गए। हमें बहुत धोखा लगा उस चीज़ का, लेकिन अब की बार जो ट्रायल हुई इन्होंने बहुत अच्छी ट्रायल दी और ये एशियाड नहीं, ये हमारी शुरुआत से है और हम चाहते हैं कि भी पूरे हमारे जो थरो के जो खिलाड़ी हैं हमारे, खासकर इंडियन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनका अचीवमेंट ठीक से नहीं लग रहा है। कुछ ही खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन हमारी ये सोच है कि इसके अंदर जो गट्स हैं, हाइट वेट और इसके साथ साथ जो घर की पोजीशन होती है खिलाड़ी को बनाने के लिए, उसका घर मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सरकार उसको जब सहायता देती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मेडल प्राप्त कर लेता है। लेकिन नफे भाई साहब भी खेल से जुड़े हुए हैं, इनके पिताजी और उनका परिवार पूरा जो है पूरा सहयोग देता है और हमारी ये आशा है कि जिस प्रकार एक संसार। बता दें कि गांव रानीला निवासी 17 वर्षीय अतुल साहू का पिछले दिनों एशियाड स्कूली खेलों में चयन हुआ था, लेकिन वो अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली हार के बाद अतुल निराश नहीं हुआ और मेहनत करते हुए आगे बढ़ा। हाल ही में कुवैत में आयोजित एशियन एथलीट प्रतियोगिता में अतुल ने 56.23 मीटर का थ्रो करते हुए देश को स्वर्ण पदक दिलाने में सफलता हासिल की है। अतुल के गाँव लौटने पर ग्रामीणों ने खुली जीप से उसे समारोह स्थल पर लाया और उसे सम्मानित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।